सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं सेल्फ राहुल कागने, ईएसए क्लास अहमदपुर एंड लातूर। आज हमें देखना है बॉन्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लेविस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले लेविस सिंबल। लेविस सिंबल क्या होता है? एटम का सिंबल, किसी भी एटम का सिंबल सराउंडेड बाय इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एटम सराउंडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेविस स्ट्रक्चर कैसे निकालना है? तो सबसे पहले जितने भी एटम्स है उस मॉलिक्यूल में उनका स्केलेटन ड्रॉ करो विथ लेविस सिंबल। उसके बाद उन सबके बीच एक एक बॉन्ड फॉर्म करो। पहले एक एक ही बॉन्ड फॉर्म करना है। जैसे कि कार्बोनेट है अगर, तो ये कार्बोनेट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दो तीन चार, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, इनके बाजू में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमें स्केलेटन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन को मिला के हमें एक एक बॉन्ड फॉर्म करना है। अब कार्बोनेट में दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, CO3 माइनस है कार्बोनेट, ये CO3 2 माइनस, तो इसका मतलब हमें दो इलेक्ट्रॉन भी देने पड़ेंगे। तो उसको देना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि ये ऑक्सीजन, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने दो। अब उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ड्रॉ मल्टीपल बॉन्ड्स एज रिक्वायर्ड, जैसे ज़रूरत पड़े तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन उन्हें याद रखना है हमें। यूजुअली पेरिफेरल एटम्स का ऑक्टेट एग्जैक्ट रहना चाहिए या डुप्लीट कंप्लीट रहना चाहिए। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपांड भी हो सकता है या इनकम्प्लीट भी रह सकता है या फिर कंप्लीट भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमें पता है ये ऑक्सीजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको कम गिर रहे हैं तो हम ये यहाँ पर ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इन दोनों को मिला के ऐसा डबल बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। सो ये कार्बोनेट का सी सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। इस पर एक निगेटिव चार्ज, इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्जेस। ओके, तो इस तरीके से हमें बनाना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स प्लस 2 × लोन पेयर्स। ओके, उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस लेंथ को बॉन्ड लेंथ, इसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा या वीक, तो स्ट्रांग वीक रहेगा, और छोटा बॉन्ड है तो स्ट्रांग रहेगा। ये सब बातें हमें याद रखनी है। चलो सबसे पहले लेविस सिंबल क्या है, एटम सराउंडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेविस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें स्केलेटन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें उनके बीच क्या करना है, एटम्स के बीच पहले एक एक बॉन्ड ड्रॉ करना है, और उसके बाद हमें क्या फॉर्म करना है, मल्टीपल बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़े वैसे। उसमें याद रखना यह है कि पेरिफेरल एटम का ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट, और सेंट्रल का क्या हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर एक्सपांडेड भी हो सकता है। चलो इसके बाद अभी बताओ फॉर्मल चार्ज की क्या है डेफिनेशन और फॉर्मूला क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय दैट एटम प्लस 2 × लोन पेयर। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताओ इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बोलो बॉन्ड लेंथ, इसे क्या बोलेंगे, बोलो बॉन्ड एंगल। लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक, कम है तो लेंथ स्ट्रांग, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। ओके, अब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में देखना है, मतलब उसके पोस्टुलेट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए है। तो इसमें बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एक के पास लोन पेयर होनी चाहिए, दूसरे के पास, दूसरा ऑर्बिटल कैसा, एम्प्टी होना चाहिए। ओके, कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसे कोवेलेंसी बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक्चुअली बॉन्ड के दो टाइप्स मेन है, आयोनिक और कोवेलेंट। सबसे पहले तो आयोनिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसमें आयन फॉर्म होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियरली मतलब जीरो हो रहता है या फिर जीरो ही रहता है।
इसमें आयंस फॉर्म नहीं होते। इसके टाइप्स क्या है? डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ओवरलैप, पाई बॉन्ड है अगर लैटरल ओवरलैप होता है तो, जैसे कि पी पी ओवरलैप है इसका एक टाइप, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है अगर हेड ऑन ओवरलैप होता है तो। इसके टाइप है एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप। इस तरीके से पी पी ओवरलैप सिग्मा कहलाता है, जबकि लैटरल तरीके से हो गया तो इसे हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। पोलैरिटी के बेसिस पर पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं रहता। किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो अपनी तरफ खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी कि आयोनिक में रहती है, वरना यह आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तीसरा टाइप है डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। प्योर में क्या है, यहाँ पे जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। कोऑर्डिनेट में जिन दो एटम्स के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उनमें से एक ही दोनों बॉन्ड देता है, जिसे हम डोनर कहेंगे, और इसके पास लोन पेयर रहते हैं और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे हम एक्सेप्टर कहेंगे। ओके चलो बताओ, अभी वीबीटी के हिसाब से प्योर कोवेलेंट बॉन्ड किस ओवरलैप से फॉर्म होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितने ऑर्बिटल से एक बॉन्ड? दो ऑर्बिटल से। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड है? इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। चलो ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के पास क्या होना चाहिए, बोलो 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 बोलो, क्या क्या? यस, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए ही बॉन्ड फॉर्म होता है, यह हमें याद रखना है। या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर फॉर्म करना है तो एक के पास लोन पेयर, दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल। उसके बाद कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, वेरी गुड। उसके बाद अभी हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के मेन टाइप्स कौन से बताओ, आयोनिक और कोवेलेंट। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए किसी दो एटम के बीच आयोनिक बॉन्ड अगर फॉर्म होना है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ओके, कोवेलेंट के और आयंस किस में फॉर्म होते हैं, आयोनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक तो कम होना चाहिए या फिर बोलो जीरो होना चाहिए। उसके बाद अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैप कौन से बताओ, पाई और दूसरा सिग्मा। पाई में कौन सा है, एक ही ओवरलैप पॉसिबल है, कौन सा, पी पी। अब सिग्मा में कौन से है, एस एस ओवरलैप और एस पी भी पॉसिबल है और पी पी ओवरलैप भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बताओ, चलो ये कौन सा ओवरलैप है, पी पी। ये कौन सा है बताओ, बताओ बताओ, एस पी। ये कौन सा है बताओ, एस एस। और ये वाला जो ओवरलैप है ये कौन सा है, पी पी। हेड ऑन है या लैटरल है, लैटरल है। ओके, इसके बाद पोलैरिटी के हिसाब से दो टाइप्स है कोवेलेंट बॉन्ड के, बताओ कौन से, पोलार और दूसरा नॉन पोलार। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो किसमें रहता है, नॉन पोलार में। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कौन से है बताओ, प्योर कोवेलेंट और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। प्योर कोवेलेंट में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। आगे ये ध्यान रखना है कि दो एटम के बीच सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा रहेगा, दूसरा पाई रहेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा रहेगा और दो पाई रहेंगे। जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा रहेगा, डजेंट मैटर, ये भी हो सकता है, ये भी, और दो पाई रहेंगे। एक बॉन्ड है पहला तो वो ऑलवेज सिग्मा ही रहेगा, डायरेक्टली पाई बॉन्ड नहीं होता। दो बॉन्ड है तो उसमें एक पाई, एक सिग्मा। उसके बाद देयर कैनॉट बी टू सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन टू सेम एटम्स, मतलब इन दोनों के बीच एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दो सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते इन दोनों के बीच। बट वन एटम कैन मेक मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बट विथ डिफरेंट एटम्स। ये एक एटम या फिर ये एक एटम एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसी के साथ नहीं, इसको इसके साथ एक और इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनना पड़ेगा। ओके, तो फिर सबसे पहले
चलो अब ये इधर बताओ, यहां पे ये एक कैसा रहेगा सिग्मा, तो दूसरा कैसा रहेगा पाई। अगर यहां पे हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये कौन सा रहेगा सिग्मा, ये पाई हो सकता है क्या? नहीं, इनमें से सिग्मा पाई, इसने कितने पाई बना दिए? दो। सिग्मा कितने? दो। इन दोनों के बीच ये वाला पाई नहीं, कौन सा? सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा ही रहेगा, दूसरा और एक बनाता है तो फिर पाई, तीसरा बनाता है तो वो पाई ही रहेगा। यहाँ पे एक सिग्मा, ये दोनों पाई, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, इसमें कुल मिला के थ्री बॉन्ड्स है, एक सिग्मा दो पाई, ये सिग्मा, इनमें से एक सिग्मा, दूसरा पाई, ये बोलो बोलो सिग्मा, इसने कितने सिग्मा बना दिए? थ्री सिग्मा। ओके, अब इसमें बताओ क्या क्या गलत है, ये करेक्ट है? ओके, ये करेक्ट है? करेक्ट है। ये करेक्ट है? नो, ये सिग्मा होना चाहिए। इसमें ये करेक्ट है? हाँ, ये नहीं, फिर क्या होना चाहिए? पाई, और एक बनाऊंगा तो वो भी पाई, वेरी गुड। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल मिक्स हो गए उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं। ओके, अब है VSEPR के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट कैसे करेंगे, बस एक करना है, सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसमें इसे बोलेंगे सेंट्रल एटम, इसी का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इन्हें बोलेंगे पेरिफेरल एटम, उसका लेवी स्ट्रक्चर निकाल लो, फिर इस सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, सेंट्रल एटम बोलेंगे CA, मतलब ये ऐसा, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम निकालेंगे। इसमें ये याद रखना है कि एक्साइटेशन करते वक्त उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने हैं जितने की प्योर बॉन्ड से कोवेलेंट, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पकड़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड ही पकड़ने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर तीन कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमें तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेड, ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं करना है। यहाँ पे फाइव बॉन्ड्स है तो तीन ही है अनपेड, तो हमें एक का एक्साइटेशन आगे डी ऑर्बिटल में करना होगा। एक्साइटेशन में याद रखना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करना है, उतने हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करना है जितने की प्योर सिग्मा बॉन्ड्स है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पकड़ना है, और जितनी लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं पे भी नहीं पकड़ना है, प्योर सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर पकड़ने हैं। यहाँ पे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स पकड़ने हैं, मतलब पाई भी आ गए, मतलब प्योर सिग्मा एंड प्योर पाई, तो यहाँ पे प्योर सिग्मा एंड लोन पेयर, यहाँ पे पाई नहीं काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद है उसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हमें जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जैसे कि यहाँ पर चार है, तीन और एक चार, उनको एक दूसरे से जितने ज़्यादा दूर हो सके उतने ज़्यादा दूर अरेंज करना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग ज्योमेट्रीज आ जाती है। फिर उसके बाद अरेंज करने के बाद हमें पहले लोन पेयर रखनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दी, लोन पेयर रखते वक्त ये बात याद रखनी है कि वो इस पोजीशन पर हो जहाँ पे सबसे कम रिपल्शन रहे, क्योंकि रिपल्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहता है लोन पेयर में, उसके बाद रहता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे सबसे कम रहता है बॉन्ड पेयर में। तो हमें ज्योमेट्री में सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद एक दूसरे के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर अरेंज करना है, उसके बाद पहले लोन पेयर ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर लीस्ट रिपल्शन हो, उसके बाद हमें बॉन्ड्स बनाने हैं और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है। ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने के लिए हमें लोन पेयर को हाइड करना है, और ये किस तरीके से दिखता है वो देखना है, तो ये इस तरीके से दिखता है, ये पिरामिड की तरह दिखता है। देखो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग तरीके से ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन SP है उसमें दो ऑर्बिटल है तो ये लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं इसे, SP2 है इसे ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बोलते हैं, 120 एंगल है, यहाँ पे 180 है। अगर फोर ऑर्बिटल है तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं, एंगल होता है 109.4। अगर SP3D हाइब्रिडाइजेशन है, फाइव ऑर्बिटल्स रहते हैं, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये एक, ये दूसरा, और ये एक दो तीन,
इन्हें बोलेंगे एक्सियल एंगल्स बॉन्ड्स, और इन्हें बोलेंगे इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वालों में 120 का एंगल रहता है, एक्सियल में और इक्वेटोरियल में 90 रहता है, और दो एक्सियल में 180 रहता है। उसके बाद है sp3d2, तो उसमें हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, और sp3d3 में इस तरीके से पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री रहती है। एंगल 72 है, यहाँ पे ऑल 92 है, सॉरी 90 डिग्री है। अब इसमें और भी वेरिएशन आते हैं जब हम लोन पेयर रखते हैं। जैसे कि अगर इसमें एक लोन पेयर रखी जाए, तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे, मतलब ये ए है और यहाँ पे लोन पेयर रखेंगे तो बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लोन पेयर रहेगी तो बी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस मॉलिक्यूल को लिखेंगे कैसे, ये और ये B2 और यहाँ पे लोन पेयर, इसलिए L। अगर और एक लोन पेयर यहाँ पे रखेंगे तो हम इसे, ये यहाँ का बी भी जाएगा और इसे हम बोलेंगे AbL2। इस तरीके से नॉमिनक्लेचर रहता है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर रखेंगे तो ये शेप रहेगा वी शेप्ड, यहाँ पे एक लोन पेयर रखते हैं तो ये पिरामिडल शेप दिखता है, दो लोन पेयर रखते हैं तो वी शेप दिखता है। यहाँ पे लोन पेयर अक्सर हमें पहली लोन पेयर एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखनी है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने के बाद ये जो शेप है सीसॉ की तरह दिखता है। अगर दो लोन पेयर रखते हैं तो ये टी शेप्ड दिखता है, तीन लोन पेयर रखते हैं तो लीनियर दिखता है। यहाँ पे पहली लोन पेयर रखनी है, देखिए यहाँ पे कम रिपल्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है, एक्सियल पे ज़्यादा। यहाँ पर पहली लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो, जैसे कि हमने इधर रख दी, तो ये जो ज्योमेट्री बन जाती है उसे हम स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। एक भी लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। दो लोन पेयर रखनी है तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये जो ज्योमेट्री बनती है वो है स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से हमें ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना है। ये याद एक तो हम लॉजिकली कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला टेबल भी याद कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए एसपी में अगर ए बी टू टाइप का है, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं है तो लीनियर है, ए बी थ्री है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, ए बी टू एल मतलब दो बॉन्ड और एक लोन पेयर है तो वी शेप्ड है, ए बी फोर है तो टेट्राहेड्रल है, ये इमेजिन करके सब आता है। ए बी थ्री एल है मतलब एक लोन पेयर है तो पिरामिडल है, दो लोन पेयर रखते हैं तो वी शेप्ड है। एस पी थ्री डी में एक भी लोन पेयर नहीं तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, एक लोन पेयर है तो सीसॉ है, दो लोन पेयर है तो बेंट टी शेप है, तीन लोन पेयर है तो लीनियर है, एंड सो ऑन। ओके, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं तो ऑक्टाहेड्रल है, एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल है, दो लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर है। चलो VACPR के अकॉर्डिंग अगर हमें ज्योमेट्री निकालनी है तो स्टेप्स कौन से है। पहली स्टेप, ड्रॉ रफ लीव स्ट्रक्चर। चलो दूसरी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तीसरी बताओ, चलो जल्दी, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोलो सेंट्रल एटम। चौथी कौन सी है, ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना है। ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज, उसके बाद क्या पुट करेंगे, पहले लोन पेयर और उसके बाद क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर्स। अब याद क्या क्या रखना है, याद ये रखना है कि एक्साइटेशन करते वक्त अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, बोलो नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड, टोटल सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। ओके, हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त बोलो क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त उतने ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करना है जितने की, मतलब ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्योर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड नहीं, और फिर लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, यही याद रखना है। और ज्योमेट्री के लिए अरेंज करना है एज फार अवे एज पॉसिबल, उसके बाद पहले क्या रखना है, लोन पेयर, और याद क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन किन किन के बीच रहता है, लोन पेयर लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। वेरी गुड, अब लोन पेयर रखने के बाद ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, लोन पेयर को पकड़ के या उसे हाइड करके, उसे हाइड करके। ओके, सबसे पहले बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज अगर हम करेंगे वेरियस हाइब्रिडाइजेशन में, तो सबसे पहले अरेंजमेंट कैसे कैसे रहते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कुछ नहीं रखा है हमने, यहाँ लीनियर, यहाँ पे बोलो ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे बोलो टेट्राहेड्रल, ये बोलो बोलो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये ऑक्टाहेड्रल और ये पेंटागोनल बायपिरामिडल। ओके चलो, यहाँ पे एंगल कितना रहता है, यहाँ पे 109, यहाँ पे एक्सियल में, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90, इक्वेटोरियल वालों में 120। ओके,
अब अगर एक एक लोन पेयर रखेंगे हम तो क्या होता है ये बताओ। चलो इसमें अगर एक लोन पेयर रखते हैं इसमें, तो इसे हिट करना है कैसा है, पिरामिडल। दो लोन पेयर रखते हैं तो वी शेप्ड। इस पर एक लोन पेयर रखनी है तो जैसे कि यहाँ पे, क्या ये सी सॉ। यहाँ पे एक लोन पेयर रखेंगे तो यहाँ पे बी 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 आता है और ये तो इसको हम किस तरीके का स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये बी कितने बोलो फोर और यल। सो इसका इसकी ज्योमेट्री रहेगी सी सॉ। अगर दो लोन पेयर रखेंगे तो टी शेप्ड। ओके यहाँ पर अगर एक लोन पेयर रखेंगे तो बोलो 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 एस पी थ्री डी टू में ये ऐसे तो स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे दो लोन पेयर रखेंगे तो स्क्वायर प्लेनार। वेरी गुड। यहाँ पे एक लोन पेयर रखेंगे तो बोलो वी शेप्ड। गुड।